हेलो दोस्तों, लो मैं आ गया हूँ आपके पास नेट के साथ। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम में। देखेंगे कितने शॉर्टकट तरीके से हम इसको एलसीएम में करेंगे। 2 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं सारे एलसीएम। तो हम लाए हैं तीन ट्रिक्स में, हम देखेंगे कितने जल्दी करते हैं। तो आज हम देखते हैं हमारा पहला ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या होगा। मालूम है, ले लेता हूँ एग्जाम्पल 2, 4, 24, 48। ठीक है, अगर ये है इसको मैं एलसीएम निकालना चाहे तो हम देखेंगे कितने फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो हम सीखते हैं क्या होगा। जो भी इसमें नंबर होगा, जो इसमें हाईएस्ट नंबर होगा उसको देखेंगे। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, 48। 48 में देखेंगे क्या ये बाकी तीन नंबर इससे डिवाइड हो जा रहे हैं। बाकी तीन नंबर इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। 2 देखेंगे डिवाइड कर जाएगा, 4 करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 24 करेंगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि मेरा 48 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें कितना जल्दी हम एलसीएम निकाल लिए। तो इसी तरह का और एग्जांपल लेते हैं तो क्या होगा। एक एग्जांपल और लेंगे हम, तो हम देखते हैं 8, 16, 32, 64। ठीक है, इसमें भी ध्यान देंगे क्या है, इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, 64। तो 64 को देखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 64 चला जाएगा। 8 8 64 होता है। 16 से चेक करेंगे तो क्या होगा, 16 में 16 4 64 होगा, ये भी डिवाइड हो गया। और 32 से चेक करेंगे तो 32 से भी 64 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे देखेंगे कि 64 मेरा एलसीएम आ गया है। तो हम देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कि कितने शॉर्टकट तरीके से हमने इतने बड़े नंबर का एलसीएम निकाल लिया। तो ये हमारा था ट्रिक्स नंबर 1। तो हम ट्रिक्स नंबर 2 देखेंगे तो क्या होगा हमारा ट्रिक्स नंबर 2, इसको भी देखते हैं। ट्रिक्स नंबर 2 देखेंगे, ट्रिक्स नंबर 2 क्या होगा। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं 5, 15, 20, 30। ठीक है, मैंने अभी को रूल बताया था कि जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको चेक करेंगे बाकी जो नंबर है उससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं, हाई से मेरा जो 30 है वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 6 30 होता है, इसे डिवाइड हो गया। 15 से चेक करेंगे तो 15 2 30 इसे भी डिवाइड हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि 20 से 30 डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर क्या होता है, यहाँ पे 30 है, तो 30 को इस तरह से मान देंगे कि ये 20 से डिवाइड हो जाए। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें तो मेरा क्या आ जाएगा, 60। तो ध्यान देंगे कि 20 60 से 20 जो है वो 60 में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो जब 60 डिवाइड हो जा रहा है तो हमारे यहाँ पे एलसीएम क्या निकल के आया, 60। ठीक है, तो देखेंगे कितना शॉर्ट तरीके से इसको हम निकाल रहे हैं और हमारा ये आंसर आ गया 60। ठीक है, अगला यहाँ पर लेते हैं 7, 14, 28 8 लेते हैं और ये लेते हैं 28। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें भी हम चेक करेंगे कि हमारा ये एलसीएम कैसे निकलेगा। तो ध्यान देंगे इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है मेरा, 28। तो 28 में हम क्या करेंगे, 7 से चेक करेंगे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 7 से अगर डिवाइड करते हैं 28 में तो देखेंगे 7 4 20 8 आ जाता है, यानी कि इसे डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर है 14 से चेक करेंगे 28 में होगा कि नहीं होगा, तो देखेंगे 14 2 28 होता है, यानी कि 14 से भी डिवाइड हो गया। अगला नंबर 8 से 28 डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, अभी का ट्रिक बताया हूँ कि जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको ऐसा नंबर बना देंगे जो इस नंबर से डिवाइड हो जाए। यानी कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। तो हम जानते हैं कि 8 7 कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एलसीएम क्या निकल के आया, 56। देखेंगे कितना फास्ट तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा हो गया ट्रिक्स नंबर 2। अब ट्रिक्स नंबर 3 सीखते हैं क्या होता है, ट्रिक नंबर 3 जो और भी आसान है। ट्रिक नंबर 3 में देखेंगे क्या चीज है। एक नंबर लेता हूं मैं एग्जांपल, मान लो 7 14 और 30। ठीक है, 7 14 और 30 इसको हम जब चेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखेंगे 7 से इसमें हाईएस्ट नंबर क्या था, 14। तो चेक करेंगे 7 से 14 डिवाइड हो जा रहा है ना, यानी कि ये खत्म हो गया बच्चा। 13 से चेक करेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा। तो अभी मैंने बताया कि जो बड़े नंबर है उसको क्या करेंगे, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे जो 13 से हो जाए। लेकिन ध्यान में देने वाली बात यहाँ पर है कि जो 13 मेरा है वो हमारा एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है जो किसी से बुरा नहीं होगा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे क्या करेंगे, 14 को 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर मिल जाएगा। इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 13 4 52
और 31 जो 30 और 5 82 यानी कि मेरा एलसीएम क्या निकल कर है 182। कितना शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व किया है कि हमको ये नंबर प्राप्त हो गया और कितना जल्दी से इसको हमने सॉल्व किया कि हमको एक मिला नंबर। ठीक है, एक नंबर और लेता हूँ 39518। ठीक है, जो टॉपिक जो ट्रिक्स बताया हूँ उसी को फॉलो करते हुए जाएंगे। इसमें जो सबसे हाइस्ट नंबर है उसको ले लेंगे, हाइस्ट नंबर यहाँ पे मेरा क्या है 18। अब बाकी जो नंबर है उसको चेक करेंगे कि उससे वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 3 से चेक करेंगे तो मेरा 18 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 18 होता है। ठीक है, 9 से चेक करेंगे तो 9 टू 18 होता है, यानी कि ये भी नंबर डिवाइड हो गया, ये भी नंबर से डिवाइड हो गया। बचा 5 के टेबल में 18 होता आता नहीं है, यानी कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि मैंने क्या करूंगा, जो हाईएस्ट नंबर है उसको क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे ताकि मेरा 5 से डिवाइड हो जाए। देखो 5 जब भी आए तो क्या करना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आएगा, जानेंगे 85 90 होता है, मेरा 90 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो देखेंगे हम यहाँ पर 3 ट्रिक्स सीखे हैं एलसीएम को फाइंड करने के लिए, जो पलक झपकते ही सबसे सटीक और जो जल्दी आंसर आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, इसको जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।